वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो ये सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारा लेक्चर नंबर 28 है, जिसमें हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टर की। ठीक है, डिस्ट्रक्टर इन सी शार्प, राइट। तो चलते हैं हम डेफिनेशन की तरफ और इसको हम देखते हैं। सी शार्प डिस्ट्रक्टर, राइट। इसकी डेफिनेशन, डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर इन सी शार्प आर मेथड इनसाइड द क्लास यूज्ड टू डिस्ट्रॉय इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास व्हेन दे आर नो लॉन्गर नीडेड। ठीक है ना, जैसे ही आपको एक इंस्टेंस बनाते हैं, इंस्टेंस जब बनाते हैं तो मेमोरी में कुछ आपकी स्पेस ले लेता है। ठीक है ना, जो भी क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो क्या करता है, जैसे उसको आप इनिशलाइज करते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के टाइम आप वो मेमोरी में स्पेस नहीं लेता है, जैसे आप उसको इनिशियलाइज करवाते हैं तो क्या करता है, वो मेमोरी में जगह ले लेता है, राइट। और जैसे ही फिर आप इसको, आप प्रोग्राम से एग्जिट होते हैं, ठीक है ना, या उसकी उस ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो डॉट नेट फ्रेमर क्या है, गार्बेज कलेक्टर देता है जो काम करता है आपको, आपके डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है, आपके ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर आपके डिस्ट्रक्टर को कॉल करता है इम्प्लिसिटली, ठीक है ना, और वो क्या करता है, आपके उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रिलीज करवा देता है, राइट। तो C++ में क्या होता है, डिस्ट्रक्टर हमें लिखना पड़ता है। पुरानी लैंग्वेजेस आप देखेंगे हम डिस्ट्रक्टर लिखते थे, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम तो लैंग्वेजेस भी एडवांस हो गई और उन्होंने ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर को कॉल करना शुरू कर दिया, राइट। तो सी शार्प में एक्चुअली डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, ठीक है, और ये कौन करता है, आपका गार्बेज कलेक्टर, ठीक है। एंड देयरफॉर प्रोग्रामर हैज़ नो कंट्रोल एज वेन टू इन्वोक द डिस्ट्रक्टर, ठीक है ना, क्योंकि प्रोग्रामर का इसके कंट्रोल नहीं होता। पुरानी लैंग्वेज हम खुद इसको कंट्रोल करते थे कि डिस्ट्रक्टर को कब कॉल करना है, ठीक है ना, पूरा कोड लिखा जाता था डिस्ट्रक्टर में, ठीक है, और आपके वेरिएबल्स को या आपके जो मेमोरी में जगह लेते हैं, आपके इंस्टेंस लेते हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय करते होते थे या उसकी मेमोरी रिलीज करवाते होते थे, राइट। तो मगर अब सी शार्प में क्या है कि प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और ये कौन करता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क का गार्बेज कलेक्टर करता है, राइट। अच्छा, एन इंस्टेंस वेरिएबल और एन ऑब्जेक्ट इज एलिजिबल फॉर डिस्ट्रक्टर इज नो लॉन्गर रीचेबल, ठीक है ना, कोई भी इंस्टेंस का वेरिएबल या ऑब्जेक्ट इज एलिजिबल फॉर डिस्ट्रक्शन व्हेन इट इज नो लॉन्गर रीचेबल, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हम देखते हैं। ए डिस्ट्रक्टर इज यूनिक टू इट्स क्लास, ठीक है ना, एक क्लास का एक ही डिस्ट्रक्टर होगा, देर कैन नॉट बी मोर देन वन डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास, राइट। ए डिस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप, डिस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, हैज़ एग्जैक्टली द सेम नेम इज द क्लास, ठीक है ना, और उसका वही आपकी क्लास का नाम, वही नाम होगा जो आपके क्लास का नाम होगा। और डिस्ट्रक्टर को बनाते कैसे, आप टिल्ट की साइन पहले लगा देंगे या आपके टिल्ट प्रीफिक्स आप लगाएंगे अपने क्लास नेम से पहले, तो आपका डिस्ट्रक्टर बन जाएगा, ठीक है। ए डिस्ट्रक्टर डज नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर एंड मॉडिफायर्स, ठीक है ना, उसके कोई आपके मॉडिफायर्स नहीं, एक्सेस मॉडिफायर कोई नहीं होता और कोई पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता आपका डिस्ट्रक्टर, राइट। इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन स्ट्रक्चर, इट ओनली यूज विद क्लासेस, ठीक है ना, ये सिर्फ क्लासेस में इस्तेमाल होता है। इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड और इनहेरिटेड, आप इसको इनहेरिट भी नहीं कर सकते और ओवरलोड भी नहीं कर सकते। और इट इज़ कॉल्ड व्हेन द प्रोग्राम एग्जिट, राइट। और इंटरनली डिस्ट्रक्टर कॉल्ड द फाइनलाइज मेथड ऑन द बेस क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये एक फाइनलाइज का मेथड होता है, वो उसको कॉल करता है बेस क्लास के ऑब्जेक्ट पर, राइट। तो ये थी इसकी डेफिनेशन डिस्ट्रक्टर की। अब इनको, अब डिस्ट्रक्टर को हम कोड करके देखते हैं। तो ये क्या, हमारा लास्ट टाइम जो हमने किया था, एक सिंपल हमने कोड लिखा हुआ है, ये क्या है, एक क्लास बनाई हुई है एम्प्लाई की, ठीक है, उसमें एक हमने मेथड बनाया हुआ और ये आपका कर रहा है कंट्रोल, हम प्रिंट लाइन करवा रहे हैं एम्प्लाई क्लास, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एम्प्लाई ओबीजे, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू एम्प्लाई, राइट, और ओबीजे डॉट डिटेल, राइट। इसको आप प्रिंट आउट कर, इसको कंट्रोल F5 करें तो ये देखें उसने क्या किया, आपके एम्प्लाई क्लास के मेथड को क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बनाते हैं डिस्ट्रक्टर, ठीक है, टिल्ड क्लास एम्प्लाई, ठीक है, मेथड है ये, स्पेशल मेथड है तो आपको मेथड के तौर पे निकलना लिखना पड़ेगा, इसका
आपका कोई भी आइडेंटिफायर नहीं है और आप ये जहाँ पर आपको टिल्ड नज़र आए समझ लीजिए आपका डिस्ट्रैक्टर आपने कॉल कर लिया है। अब यहाँ पे कंट्रोल प्रिंट करवाएं और यहाँ पे आप कर दें डिस्ट्रैक्टर, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट को देखिए, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। देखिए इसने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और उसकी मेमोरी रिलीज़ कर दी, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब देखते हैं डिस्ट्रैक्टर कॉल करने का सीक्वेंस क्या है, ठीक है। ओबीजे वन, इसको ओबीजे वन कर दें, राइट, कंट्रोल एफ फाइव कर दें। तो ये देखें पहले दो क्लास के इंस्टेंस बने, ठीक है, उसके बाद उसके डिस्ट्रैक्टर कॉल हो गए। तो ये सीक्वेंस में कॉल होते हैं, जब भी प्रोग्राम आपका एग्जिट होगा तो फिर होगा। ऐसे नहीं होगा आपने एक इम्प्लाई की क्लास बनाई फिर अपना डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया, फिर इम्प्लाई की दूसरी क्लास बनाई आपका डिस्ट्रक्टर, नहीं। जब प्रोग्राम एग्जिट होगा फिर ही आपका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, इट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम एग्जिट्स, ठीक है ना। तो ये था थोड़ा आपको डिस्ट्रक्टर के बारे में बताना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।